सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीजे वैकेंसी ऐप के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नई एम्स की तरफ से नई वैकेंसी जो है उसकी घोषणा हुई है उसके बारे में। जी हाँ, पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, साथ ही साथ चैनल पर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको नर्सिंग से जुड़ी पूरे भारत की हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ये नोटिफिकेशन जो है 4/6/2022 का है, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप जो है पीजे लक्ष्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको जो है जो फॉर्म भरने की लिंक और प्रत्येक वैकेंसी की पीडीएफ वहाँ पर मिलती रहती है। तो आप टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें, या फिर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना की तरफ से जो है वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसी नोटिस फॉर द डेपुटेशन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड प्रेस्क्राइब पर फॉर्मा फॉर एलिजिबल ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट यूटी ऑटोनोमस बॉडीज जो है उसमें ग्रुप ए और बी की जो डेपुटेशन बेसिस वैकेंसी है वो आ चुकी है एम्स पटना से। देखते हैं नर्सिंग की कितनी क्या पोस्टें हैं। यहाँ पर अपन बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अलग अलग मेडिकल सुप्रिटेंडेंट वगैरह की पोस्टें हैं। सबसे पहले बात करेंगे चीफ नर्सिंग ऑफिसर, यानी CNO कह सकते हैं, चीफ नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी कह सकते हैं, जहाँ पर लेवल 12 के हिसाब से सैलरी ज़बरदस्त रहेगी। 78,800 रुपये से लगाकर 2,09,200 रुपये तक ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफ ऑटोनोमस स्टेचुअरी बॉडीज होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन ए रेगुलर बेसिस विद 5 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन ए पोस्ट इन द पे लेवल 10, यानी 5400 पे ग्रेड के हिसाब से होनी चाहिए, या फिर BSc नर्सिंग होनी चाहिए। नॉट लेस देन 15 ईयर एक्सपीरियंस इन द प्रोफेशन, आउट ऑफ विच 5 ईयर शुड बी ए नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट और इन सिमिलर जो कैपेसिटी इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, या फिर MSc नर्सिंग होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा गया है, 15 साल का एक्सपीरियंस यदि आप BSc नर्सिंग कर रखी है तो, या फिर जो है कहीं पे जॉब कर रखी है तो 5 साल मिनिमम करनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, आ जाते नीचे और देखेंगे क्या नर्सिंग की कोई और पोस्ट है। यहाँ पर तो चीफ नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पर पोस्ट थी, उसके बाद जो है नर्सिंग की और क्या पोस्टें हैं नहीं है वो अपन बात करेंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर वगैरह बहुत सारी पोस्टें हैं, चीफ डाइटेशन की भी है, इसके अलावा चीफ मेडिकल सोशल सर्विसेज है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, लाइब्रेरियन जो है वो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी यहाँ पर निकली है, सीनियर हिंदी ऑफिसर जो है उनकी भी वैकेंसी है। तो गाइस, ये तो नर्सिंग की एक ही वैकेंसी थी, अच्छी वैकेंसी, बड़ी वैकेंसी कह सकते हैं, क्योंकि ये पोस्ट के हिसाब से बड़ी वैकेंसी, ना कि कितनी संख्या उस हिसाब से। द नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो चेंज की जा सकती है, बढ़ाया भी जा सकता है। द पीरियड ऑफ डेपुटेशन विल बी फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी 3 साल का डेपुटेशन रहेगा। मैक्सिमम एज लिमिट वो है 56 साल रखी गई है। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी रेगुलेटेड एज पर द रिलेवेंट रिक्रूटमेंट रूल, ठीक है। नो एडवांस कॉपी विल बी एक्सेप्टेड, एडवांस कॉपी नहीं देनी है आपको। द ऑफिसर हु फुलफिल द एबो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मे सबमिट देर एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट एट एन एक्चुअल वन थ्रू प्रॉपर चैनल टू द रिक्रूटमेंट सेल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है फुलवारी शरीफ पटना, थ्रू द स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आपको भेजना होगा। ऑफलाइन ओनली, एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मीडियम विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो आप जो है 15 जून इसकी लास्ट डेट भी आपको बता दूँ, लास्ट डेट 15 जुलाई जो है वो रहने वाली है। 15 जुलाई से पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट्स और जो फॉर्म इसका निकाल कर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको जो है मैंने अभी ऊपर जो एड्रेस बताया था एम्स का, वहाँ पर भेजना होगा। तो गाइस, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है नर्सिंग से जुड़ी परमानेंट कॉन्ट्रेक्चुअल, इसके अलावा डेपुटेशन बेसिस पूरे भारत की या किसी भी स्टेट की, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी ज़िले की सभी वैकेंसीज की न्यूज़ आपको इस चैनल पर मिलती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।